प्रखंड के कुफमोल पंचायत से वार्ड संख्या 8 राम दलित बस्ती में सड़क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अपील की। यह सड़क कुफमोल पंचायत के वार्ड संख्या 8 में बजरंगबली स्थान से राम हरिजन बस्ती होते हुए बेलसरा नहर तक जोड़ने वाली सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वार्ड संख्या 7, 8 एवं 9 की सभी जनता को सड़क पर लगा जल जमाव के चलते आवागमन में काफी परेशानी होती है। यातायात विवाह जैसे समारोह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुफमोल पंचायत के मुखिया भागवत दास ने कहा कि 3 साल पूर्व में कुफमोल पंचायत से सिमरबन्नी तक सड़क बनने वाला था, जो कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाला था। यह कार्य अभी तक अधूरा है, जल्दी ही कार्य पूर्ण रूप से हो, जिसके लिए मुखिया जी ने पदाधिकारी महोदय को इसकी सूचना देने की बात की। वहीं इस मौके पर वार्ड सदस्य मधुमाला देवी, जिला पार्षद विजय यादव, सरपंच शंभू राम एवं सभी समस्त ग्रामीण वासी अजय राम, कलानंद राम, महरंगी राम, रमेश राम, संजय राम, लक्ष्मी देवी, मुन्नी देवी आदि मौजूद थी। भरगावा प्रखंड अंतर्गत कुसमोल पंचायत के वार्ड नंबर 8 में अभी हम उपस्थित है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ के जनताओं की समस्या किस तरह से जो है जनता यहाँ का जूझ रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, रोड निर्माण यहाँ पे नहीं है। इस पंचायत के सारा ग्रामीण जूझ रहे हैं, कीचड़ में यातायात कर रहे हैं, यातायात बाधित हो रही है, लेकिन यहाँ का जन प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आइए हम दिखाते हैं उनकी समस्या को, किस तरह की यहाँ का रोड है, क्या समस्या है बताइए। यहाँ जो है कुसमोल पंचायत 8 नंबर वार्ड में जो है बहुत सारा समस्या है। यहाँ पे जो है रोड जो है लगभग 10-20 साल से नहीं, जब यहाँ जो है नहीं बना है, और जो है कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं इस पे ध्यान दे रहा। हम लोग जो है बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। देखिए सर, जो है 2 तारीख को शादी होने वाला है, और जो है हम लोग का जो यहाँ पे जो है अतिथि आएगा, जो भी बारात आएगा, वो भी जो है एकदम किस तरह से यहाँ पे आएंगे बताइए। एकदम बहुत सारा समस्या है इसमें। थोड़ा सा भी बारिश होने पर भी यहाँ पर जो है गड्ढा में पानी लग जाता है, इसको जो है कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। ये कितना दिन से ये जो है कि रोड की समस्या है यहाँ पर जो है रोड की समस्या लगभग 10-20 साल से है, जो कि हम लोग जो है बहुत बड़ा परेशानी झेल रहे हैं यहाँ पे। इसकी जानकारी किनको किनको आप लोग दिए हैं? यहाँ पे जो है हम लोग अभी तक में हम अपने पंचायत में जनप्रतिनिधि जो है मुखिया जी को भी दे चुके हैं, जो कि आज उसको बुलाए थे सुबह में, जो कि एकदम अभी तक नहीं आए हैं, और वार्ड सदस्य को भी दिए हैं। उसके बाद हमारी जो है विधायक जी हैं, उनको भी सूचना दिए हैं, लेकिन जो है वो अभी तक भी हम लोग का कॉल बैक नहीं किए हैं। तो आप अपने मुखिया जी को सूचना दिए, तो मुखिया जी आपका आश्वासन क्या देते हैं? मुखिया जी आश्वासन यही दिए कि ये जो है ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, ये जो है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्गत है जी। मुखिया जी का है, मुखिया जी का नाम? मुखिया जी का नाम है भागवत दास, कुसमोल पंचायत का है। मुखिया जी से आपने नहीं पूछे कि मुखिया जी अगर ये तरह का समस्या है, प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, तो ये कार्य कैसे होगा, आप लोग सहयोग कीजिए? मुखिया जी बोले कि उस पे जो है हम लोग क्या उस पे कर पाएंगे, हम लोग कहेंगे यदि होगा तब न। देखिए यहाँ पे किस ऑटो निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह की पानी लगी हुई है, फिर भी ऑटो चालक प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी पानी होकर के ही रोड से निकल जाए। जो कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, पेशेंट वगैरह लेकर कैसे जाए, हम रास्ता नहीं है, कोई कहाँ जाए, पेशेंट लाने जा रहे हैं, पेशेंट लाने जा रहे हैं, क्या पेशेंट को उठाने जा रहे हैं जी सर? किस तरह की लाश को जलाने के लिए खर्ची बनाया जाता है, उस हिसाब से पेशेंट को उसी पर या चौकी पर उठा के 4 आदमी 6 आदमी को उठा के ले जाते हैं वहाँ बजरंगबली चौक रोड पर, और वहाँ से गाड़ी पर बैठा के ले जाते हैं फिर हॉस्पिटल। आप अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र कुमार भगत, घर आपका कुसमोल, वार्ड नंबर 9। क्या समस्या है? हम लोग को इतना समस्या कि हम लोग कीचड़ देने जाते हैं, इतना पानी है, हम लोग बारिश के मौसम में इधर बहुत गड्ढा है, इसीलिए रोड नहीं बन रहा है, हम लोग को दिक्कत होता है जाने में, हम लोग विद्यार्थी है, जाने में या कॉलेज जाने में किधर जाने में हम लोग को दिक्कत होता है, ये रोड नहीं बोल रहा है, हम लोग को गाड़ी फंस जाती है, हम बाज़ार भी जाते हैं तो गाड़ी फंस जाते हैं, हम लोग को पूरा प्रॉब्लम होता है, दिन में
कि चार बेर जाते हैं या पांच बेर जाते हैं, हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है कि मत पूछिए, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम। और इससे चार दिन पहले एक बैग जा रहा था, उस पर एक औरत बैठा था पीछे में, और उसके पास एक बच्चा था 1.5 साल का, वो बच्चा भी गिर गया, औरत भी गिर गया, उसका साड़ी भी फंस गया, वो अभी फारबिसगंज अस्पताल में। समस्या आप लोगों के साथ? नहीं राशन कार्ड छे, नहीं इंदिरा आवास दलक छे, नहीं वृद्धा पेंशन दलक छे। अच्छा। हाँ, नहीं सड़क पेड़ कोई चीज नहीं। सड़क भी नहीं बना है? ना। शौचालय? ना कुछ नहीं। शुद्ध पेयजल? कुछ नहीं। कुछ भी योजना यहाँ नहीं मिल रहा है? ना। आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं? जगह जमीन कितना है? एक दूर नहीं। फिर भी आप लोगों को कोई योजना नहीं मिल रहा है? ना। इनकी जानकारी आप लोग कहाँ कहाँ दिए हैं? ब्लॉक में दलिया, अररिया में दलिया, किनको सुनवाई? किनको दिए हैं ब्लॉक में? क्या बताएं मुखिया जी? दब है। आप अपना परिचय दीजिए। सविता देवी। क्या समस्या है? हमरा सबके ना राशन मिले छे, ना किरासन मिले छे, ना रास्ता पेरा रोड कुछ नहीं छे, ना कॉल नल कुछ नहीं छे। शौचालय वगैरह मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आवास? कुछ नहीं मिला है। शुद्ध पेयजल? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। आप इसकी जानकारी कहाँ कहाँ दिए? हम लोग दिए हैं रानीगंज में दिए हैं, वहाँ किनको? पंचायत भवन में दिए हैं। किनको दिए हैं? मुखिया को। मुखिया जी को? मुखिया जी क्या बताएं? बताया मिलेगा मिलेगा, मगर मिल नहीं रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। तेत्री देवी। घर आपका? पहुँचरा। वार्ड नंबर? एक। क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ? दिक्कत यही है सर कि अभी तक हमरा सबके न रोड छे, न जल के कोई व्यवस्था छे, न घर के कोई व्यवस्था छे, न और कोनो चीज के व्यवस्था दे रहल छे। आंगनबाड़ी में कुछ नहीं मिल रहा है? न कोनो स्कूल छे, जे एकटा बच्चो हमर पढ़ते स्कूल में जाके। स्कूल कितना दूरी पे है सर? बहुत दूर छे, रानीबाड़ी में छे स्कूल। और क्या क्या समस्या है? हमरा सबके अखनी कोनो चीज नहीं छे साफ, न इंदिरा आवास, न शौचालय, न रोड, न नल, न जल, कुछ न। ये सूचना कि किसको दिए हैं सर? हमरा सब सगरो दिल छे। मुखिया जी को सूचना दिए हैं? जी दिले छे। मुखिया का गांव ही है सर। बीडीओ साहब को? सर सबके दिल छे, सब लोग सब आवेदन दिल छे। क्या बताए? हाँ देबो, आबे छे देबो, देता देता। कितना दिन हो गया इनकी जानकारी देना, आवेदन देना? साल भाग ले, साल लग गेले, यहाँ आजकल दिल दिए। आप अपना परिचय दीजिए। फेकनी देवी। घर आपका? पहुँच रहा। वार्ड नंबर? एक। क्या समस्या है? समस्या यही है जो हम लोग को रास्ता पेड़ा रोड नहीं बना है। दूसरी बात है इंदिरा आवास नहीं हुआ है, शौचालय नहीं हुआ है, और क्या कहते हैं हम लोग को 25 साल से मतलब राशन किराशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिला है, पानी का दिक्कत है, बहुत पानी का दिक्कत है। आवास वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला है सर। आप अपना परिचय दीजिए। विष्णुदेव राय। घर आपका? पहुँचरा। वार्ड नंबर? एक। क्या दिक्कत है? दिक्कत सर राशन किराशन का, रोड पेड़ा, पानी नलका का, सारे का दिक्कत है। घर द्वार कुछ नहीं बनाए हैं और रहने का जगह भी नहीं है हमारे। आप क्या करते हैं? बोन कमाते हैं, खाते हैं। आपके पास कितने जगह जमीन? जगह जमीन नहीं है हमारे पास। राशन कार्ड मिला है? राशन कार्ड पहले मिला था, अब के बार नहीं मिला है। कितने दिन पहले आवेदन किए हैं आप? ये तो साल 1.5 साल हो गया है। तो इसकी सूचना किनको दिए? मुखिया को दिए हैं, बोला कि मिलेगा 2-4 दिन में। क्या है समस्या सर? तो बहुत चीज है। क्या बताइए? न हम लोग को कोई विकास मिला है, मुखिया ने दिया है, न और कुछ मिला है। क्या नहीं मिला है? न रास्ता पेरा के बुलने के लायक नहीं है। और क्या समस्या है? समस्या यही है, गरीब आदमी है, न जगह जमीन है, बुन कमा करके खाते हैं। आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। शौचालय? शौचालय वो भाई नहीं मिला है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था? पानी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन मिलता है। आप अपना परिचय दीजिए। सीताराम पास में। घर आपका? पहुँचरा पंचायत। वार्ड नंबर? ये पहुँचरे पंचायत। ये बाबा पानी में टपते हैं, बच्चा सब बाल बच्चा डूब जाता है, कब पहरा करेंगे? गरीब आदमी चले जाता है बात कमाने के लिए। कौन जो है कि छोटे छोटे बच्चे लोग आ जाते हैं? पकड़े थे आज तो निकला है।
अच्छा तो ये बच्चे लोग क्या करने खेलने के लिए चले आते हैं? घर के बगल में है। घर आपका कौन सा है? यही घर है। कौन सा घर है? यही घर पानी के बगल में। अच्छा ये घर है? हाँ, पानी के बगल में घर है। तो ये तो बच्चे छोटे लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए इधर आ जाते हैं। काम करने लिए बच्चा सब छोड़ देता है, बच्चा चले जाता है। तो बच्चे पे आप लोग ध्यान दीजिए। ध्यान देते हैं तो आते हैं, ध्यान देते हैं, द्वार पर है, गरीब लोग है, कमाने चले जाता है। वो काम करने आप लोग चले जाते हैं। अच्छा क्या समस्या है? सर मेरा नाम मनोज कुमार राम, वार्ड नंबर 8 कुसमोल पंचायत में रहने। मेरे दरवाजे नीचे जो है रोड जो है मतलब बहुत टूटा हुआ है, और अभी तो फरवरी माह है और इस माह में थोड़ा सा बारिश हुआ दो चार रोज पहले, तो उसमें दो से ढाई फुट पानी अभी जमा हुआ है, और जो भी यहां पर आने जाने में परेशानी बहुत होता है, और जो भी बाहर से आदमी आता जाता है सब यही बोलता है अच्छा विलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पर आदमी नहीं रहता है, जानवर पशु रहता है, यहाँ पर इस एरिया में आदमी डेवलप नहीं है। और दो तार परसों शादी है मेरे भतीजी, और जो भी यहाँ पर इनका शादी है, मेरा भतीजी है। क्या नाम है उनका? रेनू, रेनू कुमारी। पिताजी का उनका नाम भूपेंद्र राम। तो ईश्वर के जो है कोई मार्ग है आने जाने के लिए? कोई सड़क है? मुख्य सड़क दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो फिर बारात वाले लोग किस होकर के जाएंगे? इसी रास्ते सर। और कोई व्यवस्था नहीं है? दूसरा व्यवस्था नहीं है। आठ नंबर वार्ड पे कुसमोल पंचायत में रोड का निर्माण किया जा रहा था, क्यों नहीं किया जा रहा था, किया जा रहा है चार वर्षों से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? देखिए इस पर हम भी आश्चर्यचकित हैं। आज रोड निर्माण कार्य से 3 साल पहले शुरू हुआ है, और ये रोड कुसमोल से सिमरबंदी तक का है, ठेकेदार काम किया है, मिट्टी भराई किया, इसके बाद बिन मिसाले भी दिया कि जगह की जगह न नदी में पुला का निर्माण हुआ है, न नहरवा में पुलवा बना है। तो इसके संबंध में विधायकी से भी बात की थी, भैया ये आपका योजना है, आप राज्य सरकार का योजना है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि इस ठेकेदार को हमने लिखा पढ़ी कर दिया, वो काली सूची में जा चुका है, और इसका फिर से टेंडर होकर फिर से नया काम होगा, लेकिन काम हम हर हाल में करवा देंगे। तो इस संबंध में हम ये भी सोचे कि हम अपने पंचायत से भी एक रेजोल्यूशन पास करके इस संबंध में हम जिला पदाधिकारी और डीडीसी साहब को देंगे। कितने दिन पहले विधायक जी से बात की आप? विधायक जी से लगभग 6 महीने। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? काम मैं शुरू करवा दूंगा, वो जो ठेकेदार है। कितने दिनों के बाद बोले कि ये काम शुरू करवा देंगे? एक महीना के अंदर बोले थे करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो हो ही नहीं रहा है। इस पर हमने निर्णय लिया है कि अब हम पंचायत से अपना कार्यकारिणी में पास बैठक में एक निर्णय ले करके हम लोग इसके DM के पास में रिपोर्ट करेंगे, DDC साहब के पास में करेंगे, कैसा क्यों हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो ठेकेदार इसका निर्माण करवा रहे थे रोड का, उनका नाम क्या है? उनसे हमको आज तक भेंट नहीं हुई। जानते होंगे ना उनका नाम क्या है? नहीं जानते हैं, चूँकि देखिए सरकारी एजेंसी के द्वारा काम होता है, ठेकेदार के होता है, तो हम लोग उसको टेस्ट कर दे काम हो, और काम अच्छा हो इस पर थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठेकेदार कौन है, कैसे क्या है, नहीं है, उससे हमको कोई मतलब। आपकी पंचायत में देखी जा रही है कि रोड का निर्माण किया जा रहा है, तो आपका आपको ठेकेदार के बारे में ये जानकारी नहीं है कि कौन से ठेकेदार इसका कार्य करवा रहे थे? जानकारी रखूंगा मैं, काम को देखूंगा कि जानकारी ठेकेदार से हमको क्या लेना देना है। आप जानते हैं अगर ठेकेदार से ज्यादा जानकारी पर लोग आरोप लगाता है कि मुखिया जब से कमीशन मांगते हमसे पैसे मांगते, इसलिए मैं ठेकेदार से किसी से संपर्क नहीं करता। हाँ काम देखता हूँ, काम नहीं होता है तो उस पर मैं निगरानी करता हूँ, काम नहीं होता उसके ऊपर लेखा पारी करूँगा, पंचायत से अपना जो निर्णय होगा देखते उसके ऊपर लेखा पारी करूँगा, मैं ठेकेदार से व्यक्तिगत संबंध क्यों रखूँ? देखा जा रहा है कि वहाँ के जो उस समाज में शादी हो रही है किसी लड़की का, किरण कुमारी का, लेकिन वहाँ पे पानी लगी हुई है रोड पे, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा, आप क्या सहयोग करना चाहते हैं उसमें? मैं आपको बता दूं कि उस पर मैं सरकारी सहयोग कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कार्य हो रहा है। जब किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा सरकार के द्वारा उस पर काम हो रहा है तो फिर मैं पंचायत योजना से, वो भी सरकार का पैसा है, सरकार का एक योजना में दो डबल पैसा नहीं दिया जाए, वैसे भी व्यक्तिगत रूप से
कि हमारे समाज के लोग हैं, मैं इनके कुछ से सहानुभूति रखता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन सरकारी फंड का इसमें दुरुपयोग। क्या मदद आप कर सकते हैं? क्या मदद कर सकता हूँ, जैसे मैं गांव वाले हैं, मैं ट्रैक्टर वाले से कह रहा हूँ कि आपको मैं कुछ टेलर का पैसा दे दूंगा, मिट्टी कुछ दिलवा दूंगा, जो दो चार टेलर या जो लग जाए तो उस पर जो चलने के लायक बन जाए, ऐसा मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भागवत दास है, मैं कुशमल ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। धन्यवाद। आपके शहर एरिया में खुल गया है मल्टी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल, जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा, ICU, NICU, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज्ड लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा, हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, 0 माइल, अररिया। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अररिया, 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरब।